मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आनंद महिंद्रा को सबसे ज्यादा ट्विटर पर एक्टिव देखा जाता है। हाल ही में आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें सड़कों पर विंड टर्बाइन लगे हुए थे जो गाड़ियों के आने जाने से बहने वाली हवा से घूमते हैं। आनंद महिंद्रा ने एरिक सोलहीम के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से यह सवाल पूछा कि इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा सड़कों पर विंड टर्बाइन लगाए गए हैं जो गाड़ियों के आने जाने से बहने वाली हवा से घूमते हैं, भारत की यातायात को देखते हुए हम भी पवन ऊर्जा में वैश्विक ताकत बन सकते हैं। गडकरी जी, क्या हम इसे अपनी सड़कों और हाईवे पर लगा सकते हैं? आपको बता दें कि एरिक सोलहीम ग्रीन बेल्ट और रोड इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर यह तकनीक काम कैसे करता है। इस विंड टर्बाइन को ENLIL नाम दिया गया है जो हवा के बहाव से घूमते हैं। ये एक विंड टर्बाइन है जो गाड़ियों के आने जाने से बहने वाली हवा से घूमते हैं और बिजली पैदा करते हैं। साथ ही इसके ऊपर सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं जो सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करते हैं। मतलब ये कि एक ही डिवाइस दो तरीके से बिजली पैदा करने का काम कर रहा है। इस तकनीक को इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी और टेक फर्म डेवी सीटेक ने तैयार किया है। आपको बता दें कि जब भी हमारे आसपास से कोई गाड़ी तेजी से गुजरती है तो हमें हवा का तेज बहाव महसूस होता है। ENLIL में लगे टर्बाइन इसी हवा का फायदा उठाते हैं और इसके ब्लेड्स घूमने लगते हैं। खबरों के मुताबिक हर घंटे 1 किलोवाट बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली भी जोड़ दी जाए तो ENLIL तुर्की के 2 मकानों के दिन भर की बिजली खपत को पूरा कर सकता है। बताया जा रहा है कि ENLIL के विंड टर्बाइन 20 साल तक काम कर सकते हैं। इसकी बनावट ऐसी है कि इसे एक छोटी सी जगह में भी लगाया जा सकता है। इसे हाईवे, एक्सप्रेसवे के किनारे या किसी ऊंची इमारत के ऊपर लगाया जा सकता है। मजेदार बात यह है कि ENLIL सिर्फ बिजली ही नहीं पैदा करता, इसके ब्लेड्स घूमते समय आसपास के तापमान, आर्द्रता, कार्बन फुटप्रिंट और भूकंपीय गतिविधियों का भी रिकॉर्ड रखते हैं। इससे मिलने वाली हर जानकारी स्थानीय प्रशासन और वैज्ञानिकों को दी जा सकती है। भारत में भी गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जाल भी बिछता जा रहा है। अगर ये तकनीक भारत लाई जाती है तो इसका आम जनता को बड़ा फायदा मिल सकता है।